Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only. And channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. And here comes our Francis. Bye, Francis. Bye. Welcome. Thank you, sir. Hello, hello. कैसे हैं आप लोग? Adam bhai, Sahil bhai, Saju bhai, कैसे हैं? ठीक ठाक सर, आप सुनाइए. जबरदस्त. ठीक ठाक. अभी तो हमने जोश में होश लोगों के निकाल दिए. सुना था आपने सर? लोग अभी तक फ्लावर भेज रहे हैं यार. लोग अभी तक मैं वो सुना आपके अंदर आपके जज्बात जैसे जैसे आप बोले हो बिल्कुल सच बोल रहे हो. मजा आ गया सर. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू जो आप कर रहे हो सही कर रहे हो. इनकी इनकी आप वाट लगा रहे हैं. हाँ जी, जरा आप मोहम्मद साहब से पता कर लेते हैं कि अभी इन्हें मजीद कुछ स्टुपिडिटी सुननी है. जी सर, और स्टुपिडिटी सुननी है आपने? यार सबसे पहले तो एडम आपने जो है वो एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की है. अगर आपने बात करनी थी तो मुझे बैक स्टेज क्यों किया? और बात यह है कि जितनी भी आपने बातें की हैं ये सारे एक पूरे पूरा टॉपिक्स हैं. तो अगर इन सारी बातों पे आप मतलब एक अच्छी डिबेट करना चाहते हैं तो एक एक टॉपिक पे ले लीजिए और कर लीजिए. तो जितने भी अच्छा आते हैं सबके सामने आ जाएंगे. बातों पे इन सारी क्या चीज है क्या नहीं है, एक ये चीज है. क्योंकि एडम एक तो आप सांस नहीं लेते ना, इसलिए फिर आपको बैकस्टेज करना पड़ता है. मैंने कहा इन सारी बातों पे मेरी वीडियोस मौजूद हैं, मुझे बताएं इन सारी बातों में से किस बात पे आपको एतराज है, उस पे बात कर लेते हैं, बात खत्म. सर मेरा कोई कहना जरूरी नहीं होगा क्योंकि बात भला क्या है. हमने बात जमहरीर से शुरू की थी, फिर आप दूसरे टॉपिक पे आ गए. तो आप छलांगे तो बहुत लगाते हैं एडम साहब. सर मैं छलांगे नहीं लगाता, छलांगे आप लगाते हैं. मेरा टॉपिक अभी भी वहीं पे है और आपने छलांगे मार के लेफ्ट राइट गए थे. मैंने आपको दिखा दिया था कि आपकी बातें किस जगह पे लिखी हुई हैं. सो प्लीज डोंट टेल मी दिस. आपने अभी तक मुझे नहीं दिखाई थी. विक्टिम कार्ड मेरे साथ ना खेले. मैंने आपको बताया इनमें से किस टॉपिक के ऊपर आपको एतराज है, मैं उस टॉपिक पे आपसे बात कर लेता हूँ. मैं छलांगे नहीं मारता, डड्डू की तरह छलांगे मेरे साथ जो आने वाले लोग हैं वो मारते हैं, जैसा कि आप मारते जा रहे हैं. वंस अगेन, अगर इसमें से किसी भी बात पे एतराज है मुझे बता दें, मैं आपसे बात कर लेता हूँ. देखिए एडम साहब, फिर भी बात आप एटलीस्ट मुझे बैकस्टेज तो ना करें. आप अपनी बात मैं आपको दोबारा बैकस्टेज कर देता हूं ताकि आपको पता लगे कि मैंने आपको तीसरी दफा बोला है एक ही बात. इनमें से किस बात पे एतराज है, एतराज रखें, रेफरेंस दिखाएं और बात करें. जब तक आप रेफरेंस दिखा के बात करेंगे मैं आपको बैकस्टेज नहीं करूंगा. जी तो मैं वो रेफरेंस दिखाने गया ही था आपको, जो डिक्शनरी वाली वर्ड आप हमारी बात. नहीं सर, फिर झूठ बोल रहे हैं. आपने डिक्शनरी का रेफरेंस दिखाने के बजाय आप आर्टिकल उठा के मेरे पास लेके आए थे. मैंने आपको बार बार कहा था मुझे आर्टिकल नहीं देखना, मुझे डिक्शनरी देखनी है. आपको बैक से इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आप घूम फिर के दोबारा वहीं के वहीं आ गए हैं. अगर आपके पास डिक्शनरी है खोलिए, शेयर कीजिए. नहीं शेयर कर सकते प्राइवेट चैट में लिंक दें, मैं खोल देता हूँ. जी सर आप बात करने देंगे तो फिर ना डिक्शनरी भी मैंने खोली है. मैं आपको वही बताने चाह रहा था लेकिन आप बात किसी और तरफ ले गए. अब सुन ले जी, अब मैं जी 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 ओसारिस बता रहा हूँ. लिखे वो लिखो सर, खोल लो ओसारिस, कहाँ तो लिया करो. अच्छा क्या कहते हैं ये सर जी, है वेबस्टर्स न्यू वर्ल्ड कॉलेज. सर जी प्लीज या तो लिंक प्राइवेट चैट में डाल दें या वो डिक्शनरी मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखा दें. बोलिए नहीं, पहले स्क्रीन पे लाएं फिर बोलें वापस. सर जी आप खोल नहीं सकते अगर मैं आपको बताऊं जो है? नहीं सर मैं कुछ नहीं खोल सकता हूं. आप दिखाएंगे या लिंक देंगे? अच्छा फिर मुझे एक मिनट दो, मैं आपको लिंक सेंड करता हूं. एक मिनट दो. तो सर मैं तो घंटे से ही बात कर रहा हूं. और यार मैंने मुझे लगा कि आप खोल लोगे, मैं इसलिए जो है. सर मैं जिनकी खोलता हूँ ना उनको लग पता जाता है, जैसे आपको इस वक्त लग पता गया है कि मैंने खोल लिया. अदरवाइज आपने प्रोवाइड करना है वो रेफरेंस जो आप पढ़ना चाह रहे हैं. जिस तरह मैं स्क्रीन पे ला के दिखाता हूँ आप भी उसी तरह दिखाएंगे. और मैं आर्टिकल जिहाद जो है ना बहुत दफा कर चुका हूँ, मुझे नहीं आर्टिकल आर्टिकल जिहाद चाहिए. जी और जनाब सॉरी यार, फ्रांसिस भाई क्या हाल है यार, कैसा चल रहा है स्पीकर कंटेंट लेटेस्ट करें यार, तुम्हारे चैनल पे अभी तक वीडियोस नहीं आ रही. मेरी नई जो वीडियोस हैं वो रेवलेशन 22-13 पे आ रही हैं. एक और चैनल है एक क्रिश्चियन ब्रदर का, उस पे आ रही हैं. मैंने अपनी वीडियोस ट्रांसफर करनी है अपने चैनल पे. ऐसा ही स्टफ ब्रदर करो यार, वो जो डिबेटें कर रहे हो वहां जाके यार उनको रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे डालो यार. जितनी भी डिबेटें कर रहे हो चैनल पे डालो, फिर उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे हम. मुझे एक नया वर्ड बड़ा सीखा है मैंने इंडिया की एक न्यूज चैनल देख रहा था, टिप्पणी. तो आप डालो फिर हम उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे. टिप्पणी टिप्पणी का मतलब होता है डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर,
कमेंट्स देंगे उसके ऊपर। तो आप अपनी वीडियोस जो डिबेटे करते हैं स्पीकर कॉर्नर पे वो जाके वहां पे रखें, फिर हम उसके ऊपर टिप्पणी किया करेंगे अंग्रेजी चैनल में। तो टिप्पणी करने के लिए कोई है जी ब्रदर? जी जी सुन लिया, आदाब है, आदाब है। लेकिन कुछ पहले शुरू करेंगे टिप्पणियों से और फिर आगे चलेंगे हम। टिप्पणी टिप्पणी जिहाद करेंगे सबसे पहले, टिप्पणी जिहाद। अच्छा एडम मुझे ये बताओ आपको मैं वो कैसे करूं, प्राइवेट चैट कहां से करूं? मैं फोन से दरअसल आया हूं, तो ये मुझे बताओ मैं आपको सेंड कैसे करूं, क्योंकि यहां पे चैट का जो ऑप्शन आज फोन में सिर्फ चैट आ रहा है और उसके नीचे लिखा हुआ है कि चैट विद एडम आ रहा है। वहीं पे प्राइवेट चैट का लफ्ज लिखा हुआ है, वहीं पे जो इन्होंने लिंक भेजा है। लो साहिल साहब ये जरा लिंक देखो, इधर इन्होंने लिंक भेजा है, ये इन्होंने लिंक भेजा है। क्या है लिंक में? ये तो मैंने खोला हुआ था ना, ये लिंक भेजा। नो रिजल्ट फॉर पीडो। अच्छा चलो हम खाली पीडोफिलिया को करते हैं यहाँ पे, ये वाला वर्ड हम खुद डाल लेते हैं इसमें, पीडोफिलिया। ओके डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन कहाँ है? पीडोफिलिया नहीं ये नीचे आएगी, डेफिनेशन नीचे आएगी। हाँ ये इनकी डिक्शनरी है जो इन्होंने भेजी है और उसके अंदर पीडोफिलिया की डेफिनेशन क्या है ये देखिएगा। ये इनकी डिक्शनरी इन्होंने भेजी है, मेरी डिक्शनरी नहीं है, जो इन्होंने भेजी है ये उनकी वो वाली डिक्शनरी है, कॉलिंस डिक्शनरी। इनको कोई और डिक्शनरी पसंद नहीं, सिर्फ कॉलिंस पसंद है। Pedophilia is the condition of being sexually attracted to children. जी जनाब, ये आपकी डिक्शनरी है जो आपने भेजी है, क्या करूं? बस भाई तो मैं फ्रांसिस, पता है क्या है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से पसंद नहीं आई, इसको कॉलिंस डिक्शनरी पसंद है। ऑक्सफोर्ड लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही है कि अगर अगर pedophilia को आप कह रहे हो, आप pedophilia को कह रहे हो, sorry, can I speak? Thank you, brother. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप pedophilia की बात कर रहे हो जहाँ पे, ये आप इसको mental condition कहना चाह रहे हो, right? But the thing is कि इस mental condition को physically अगर कोई act करेगा, ठीक है, दिस मेंटल कंडीशन इज ऑल्सो कॉजेशन, ठीक है। तो ये मेंटल कंडीशन आप इसको प्रूव करना चाह रहे हो, आप मुझे ये बताओ कि ये मेंटल कंडीशन कैसे है? पेडोफिलिया इज एन एक्शन, ठीक है, आप इसको मेंटली के साथ रिगार्ड करना चाह रहे हो। कॉलेज डिक्शनरी में आप फिर ये भी कह सकते हो माइनर अट्रैक्टेड पर्सन, फिर आप ये भी कह सकते हो ओके पेडोफिलिया इज अ स्टेट ऑफ माइंड, इज अ स्टेट ऑफ माइंडसेट, इज अ स्टेट ऑफ फिजिकलिटी, आप ये भी कह सकते हो। बट द थिंग इज के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में द ओल्डेस्ट डिक्शनरी ये कह रही है इट्स एन एक्चुअल स्टेटस वेयर पीपल आर सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू चिल्ड्रन, पीपल आर सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू माइनर्स, ठीक है, इट्स एन एक्चुअल thing between men and women, ठीक है, it's an issue. So इसको आप mental condition अगर आप कहना चाह रहे हो, but the thing is proof to me के how can you call it a mental condition? आप किस basis पे इसको mentality के साथ करा रहे हो rather than physicality पे? It's an action, performance of an action is pedophilia, right? तो आप परफॉर्मेंस को कह रहे हो इस तरह से, but you're only thinking के आप mentally इसको कह रहे हो कि mental state of mind है, तो I'm sorry, you really need to look at yourself. कि आप किस तरह इसको मेंटल स्टेट कह रहे हो? आपकी कॉजेशन नहीं है, आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, आपकी एक्शन नहीं है इस चीज पे। Can I speak now, Francis? Sure. Francis, yeah, he didn't listen to you. Achha. When you actually said thank you so much, already finished your statement, but he still had to say, can I speak now? It means he was not listening to you. That is why I hate this type of idiot. I was listening to him. मैंने उनकी सारी बात सुनी है. और लिटरली अगर जो सच्ची बात है एडम, तो ये है कि जब मैंने वो स्टूपिडिटी वाली बात की थी ना, तब मैंने हेडफोन्स उतार दिए थे, मुझे पता था यार वो आप रेस हो गए हो, आपने वही बातें करनी है, तो खैर छोड़ें उसको। अच्छा अब हेडफोन उतार दिए थे ना, अब तू बेटा माइक भी उतार दे, चल गेट लॉस्ट, दफा हो जा साले। हेडफोन उतार दिए थे, अभी देखो झूठे कितने हैं। साहिल और साजिद इतना झूठा और मकार है, इसने हेडफोन उतार दी थी ये बोल रहा है, हालांकि अभी थोड़ी देर पहले आके बोला था कि जितने भी तुमने बातें की है ना वो सारी के सारी एक्चुअली में एक टॉपिक्स हैं इन इटसेल्फ, और मैं उन टॉपिक्स के ऊपर अगर चाहते हो तो तुमसे डिस्कशन करने को तैयार हूँ। मैंने बोला है एग्जैक्टली, अब ये कह रहा है कि जब आप वो बोल रहे थे तो मैंने हेडफोन उतार दिया था। तो साहिल मैं आपको कहता हूँ ना, इस्लाम में ने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दे दी है इन लोगों को वो ये दे दी है कि झूठ बोलो, झूठ बोलो और झूठ बोलो।
ये सर मैं कितनी दफा साबित करूं यार, कितनी दफा साबित करूं ये बात, मेरे नॉन मुस्लिम बहन भाई क्यों नहीं समझते कि भाई ये मेन एसेंस है इस्लाम का किसी भी चीज के लिए झूठ बोलो, दबा के बोलो, ढेर सारा बोलो, एज लॉन्ग एज आप उससे इस्लाम की विजय करना चाहते हो। और झूठ बोलना अल्लाह को मदद करना है काफिरों के अगेंस्ट। एंड दिस इज इंडीड अ साइन, येट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट बिलीवर्स। गिव अलोंग टू अल्लाह, गिव अलोंग टू अल्लाह, राइड द विंग्स ऑफ गैब्रियल, गिव अलोंग टू अल्लाह। विंग्स वाला पार्ट अच्छा था। विंग्स की तरह उसने मच फड़फड़ाया। लेकिन उससे ज्यादा मुझे जाकिर नाइक पसंद है। जाकिर नाइक से साहिल साहब किसी ने पूछा कि यार तुझे हम डोनेशन कैसे दें? अच्छा, तो जाकिर ने पता क्या जवाब दिया, ये सुनिएगा। सर, हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट फाइनेंशियली फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन? They get in touch with me, and very easy, people know where I am, and once they get in touch with me to contribute without causing problem, to contribute in big amounts, and many people call me for lunch and for dinner and for meal, and for every meal they give big amounts, alhamdulillah. So those who really want to contribute, they come and meet me. अगर तुमने मुझे लाखों करोड़ों रुपया देने हैं तो पहले मुझे मेरे पास आओ, मुझे अच्छा सा लंच या डिनर कराओ, और वहां पे मुझे मोटा सारा चेक दो, लाखों करोड़ों रुपए का चेक दो, और तुम लोग मुझे कंट्रीब्यूट करो, और तुम अबे सालो रंडी के भीख मंगे। हमें बोलते हो सुपर चैट आती है, सालो यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए तुम लोग दे रहे हो इन कंजरों को, झूठों को, मकारों को, और तुम लोग बातें करते हो। नहीं साहिल साहब, पता लगा बड़ा पैसा कैसे दे रहे भाई? करोड़ों रुपए कमाए भाई इन्होंने, ऐसा दे रहा है बड़ा पैसा? नहीं, मुसलमानों शराब पी लो पर टुन ना हो ना, साफ ये बात। पियो पियो मगर टुन ना होना, ओहो, क्योंकि इनको अगर पियोगे ना इनकी बातें सुनने में, तब थोड़ी थोड़ी अकल में जान आती है, वरना तो हम सॉरी टू से एक नॉर्मल इंसान इनकी इनकी आइडियोलॉजी अगर सुनना भी चाहे कि एक पेडोफाइल है एक बंदा, ठीक है, उसकी एग्जिस्टेंस को, उसकी प्रोफेसी को ये इतनी बुरी तरह से कि मैं जितना जलील कर सकते हैं उस बंदे को, कि उसको अब ये मेंटल डिसऑर्डर कह रहा है, ठीक है, ये कह रहा है कि स्टेट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, तो ये प्रूफ कर रहा है इस हिसाब से भी कि इसका प्रॉफिट मेंटली इल था, ठीक है, ये इसको ये समझ नहीं आती कि जिस एंगल से भी अपने आप को, अपने प्रॉफिट को डिफेंड करना है इन्होंने, ये उस हर एंगल से कोई डिफेंस नहीं है। अगर अगर आपको उसको मेंटल डिसऑर्डर कहोगे तो फिर प्रॉफिट इज प्रॉफिट मेंटल डिसऑर्डर, प्रॉफिट इज मेंटली इल। अगर आप उसको एक्शन के तौर पे कहोगे तो यो प्रॉफिट इज अ पेडोफाइल। अगर आप उसको डिलिबरेटली कहोगे कि वो एज ऐसी नहीं थी, फिर आप उसको हदीस को झूठा कह रहे हो। फिर अगर आप उस पर कहोगे ठीक है मोहम्मद ने नहीं किया बट द कुरान सेज दिस, तो फिर कुरान में ये नहीं लिखा हुआ, तो उसको भी झूठा करार दिया जा रहा है। तो हर एंगल से दे कैन नॉट डिफेंड पेडोफिलिया, हर एंगल से चाहे जो भी हो। और इन लोगों के अंदर ये शर्म नहीं है कि एक बच्चे के बारे में, एक बच्चे के बारे में हम ये बात कर रहे हैं, ये बस ये इनके से जरा शर्म नहीं है। आई नो कि आप लोगों को पता है, साहिल भाई, एडम भाई, साजिद भाई, आप लोग मुझे आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों की, आप लोग जिस तरह के लोगों से बात करते हो उनके अंदर ऐसी गैरतमंद हो या ना हो, आई डो नॉट नो, बट यहाँ पे यूके में इस टाइम पे जहाँ पे एजुकेटेड सोसाइटी कह सकते हैं कि अगर है, इस सोसाइटी में भी पेडोफाइल अपोलोजिस्ट रहते हैं, इस सोसाइटी में भी वो उसको डिफेंड करते हैं, इस मुल्क में जहाँ पे पेडोफिलिया इज इलीगल, ठीक है, जहाँ पे पेडोफिलिया के बारे में जितने स्टांस लिए गए हैं, जितनी इसके बारे में बात की गई है, इतनी अवेयरनेस है यहाँ पे इसके बारे में, उसके बावजूद भी इसको डिफेंड करते हैं। तो आप फिर ये सोच लो कहाँ पे है ह्यूमैनिटी। वाह, अच्छा साहिल साहब आपसे एक सवाल है मुझे। जी एडम साहब। सर जी, कुरान क्या कहती है? कुरान क्या कहती है कि जब तुम गुलाम जंग में पकड़ो
तो या तो उनको आपने मुसलमान करना है या आपने उनको फिदिया लेके छोड़ देना है, यानी कि या आपने उसकी प्रिजनर एक्सचेंज करनी है, करेक्ट? सर अब मुझे ये बताइए कि अबू लहब जिसको इतनी बड़ी लान तान की गई, उसके बेटे ने बदर में हमला किया मोहम्मद और उसके सहाबियों के ऊपर, और जिनको तमाम मुसलमान गालियां निकालते हैं और लानत अल्लाह कहते हैं कि जिन्होंने बदर में अटैक किया था उन सब के ऊपर, राइट? उसमें मोहम्मद का दामाद अबू लहब का बेटा अबू अस जब प्रिजनर बना, तो मोहम्मद की बेटी ने खतीजा का गले का हार जो उसे शादी पे गिफ्ट दिया गया था वो, प्लस हर प्रिजनर के लिए जो माल था रकम असाइन की गई थी, क्योंकि मोहम्मद ऐसे कमाता था ना, पहला तो माले गनीमत कमाना है, फिर जो मेल गुलाम है उनको वापस देते हुए उनके अगेंस्ट जर खरीदना है, वो ये दो चीजें कमाने की थी मोहम्मद की, राइट? मुझे बताएं अबू अस के लिए मोहम्मद ने कितने पैसे लिए? वही सोना इना लिया होगा, हजरत खदीजा का जो हार वार था। नहीं सर, और लिया है? मोहम्मद ने सारी दौलत और हार वापस कर दिया और अबू अस को वापस अपनी बेटी के पास भेज दिया। तो क्या मोहम्मद ने उतना माल जितना एक गुलाम को आजाद करने के लिए कीमत रखी हुई थी, क्या मोहम्मद ने अपने पल्ले से माल गनीमत में डाला? अगर नहीं डाला तो फिर ये तो मोहम्मद है दो नंबरी की। सर देखें, आपने हर स्लेव के अगेंस्ट एक माल की रकम लगा दी है कि इतने दिरहम लेके आपने स्लेव वापस करना है, करेक्ट? लेट से आपने 100 दिरहम लेके रिटर्न करना है या 10 दिरहम लेके रिटर्न करना है। अब अगर ये 10 दिरहम लिए बगैर सिर्फ इसलिए रिटर्न कर रहा है कि ये इसकी बेटी का खावंद है, तो साहिल फिर मोहम्मद को 10 दिरहम माल गनीमत में डालने चाहिए थे, क्यों नहीं डाले? बिल्कुल। अच्छा, इसमें दूसरा सवाल मेरा ये है एडम साहब, ये तो बिल्कुल सही बात है आपकी कि उधर जो है वो फॉरफिट करना चाहिए था रसूलुल्लाह को। दूसरा सवाल ये कि ये जो बंदा है जिसकी आप बात कर रहे हैं, अबू लहब का जो बेटा है, क्या उसने आखिरी वक्त तक ईमान लेके आया था? नहीं, नहीं लाया था। अच्छा, फिर मुसलमानों का ये कहना, हाँ लाया था, लाया अभी तक नहीं लाया साजिद, अभी यहाँ पे नहीं लाया, अभी यहाँ तक नॉन मुस्लिम। अच्छा, मैं आगे की बात कर रहा हूँ, आगे लाया था क्या? आगे चंद एक रवायात में लाया था, चंद एक रवायात में, फतह मक्का के मौके पे लाया था ना साजिद? नहीं फतह, हाँ लास्ट में जिसमें तलाका का जिक्र आता है, हाँ वहां तो मुतलका तब लाए थे, हाँ लास्ट में। नहीं नहीं, मुतलका का जिक्र तो बहुत पहले है क्योंकि सूरह बकरा में ही है, ये लेट लाया था बहुत। नहीं मुतलका बदर ओहद में ये नहीं लाया था। हाँ तो शुरू शुरू के जो मुसलमान है उन लोगों में शुमार नहीं होता, अफजलुल में नहीं, ये तलका जो लास्ट में मुसलमान हुए थे अमीर मुआविया वगैरह जब। हाँ तो वही ना, एंड में साहिल एंड में लाया था, लेकिन इस वक्त, हालांकि साहिल इस वक्त आयत आ चुकी हुई है कि अपनी मुसलमान लड़कियों की शादी नॉन मुस्लिमों के साथ नहीं होनी चाहिए, और अगर हुई है तो तलाक हो गई है, तो ये आयत आ चुकी है, तुम यहाँ पे जा रहे हो तो इस, हाँ हाँ बोले, इस वक्त ये आयत आ चुकी है, लिहाजा तुम इस पे बात कर सकते हो। साहिल एक मजेदार चीज ये थी कि नबी ने कहा था कि जब अबू लहब का बेटा सामने रहा करे तो उसके बाप को गाली ना दिया करो क्योंकि उसे तकलीफ होती है। अबे तो कुरान से क्यों नहीं हटा दिया उस आयत को? कुरान से हटा दे, कुरान जब सही बात है, और शादी क्यों नहीं तोड़ी? हाँ? अपनी बच्ची की शादी क्यों नहीं तोड़ी? मिस्टर अल मोमिन, मुखातबा करना कंपलसरी है, उस पे बात करेगा? ओए यार ये बंदा फिर आ गया, लाया हूं मैं दोबारा रेफरेंस, पिछली बार वाले रेफरेंस नहीं आया मैं। तफसीर तफसीर बगवी खोलो, वॉल्यूम नंबर 4। ओए यार बात सुन यार, तुझे क्या तकलीफ है यार, तुझे किसने काटा? तेरी हर बात का झूठ साबित कर सकता हूं मैं, तूने जिद्दी बातें बोली हैं। हां मेरी सारी झूठ बोल सकते हो। बात सुन, और क्या तेरा कोई चैनल है? मैंने खोल नहीं रखा अभी, बंद पड़ा हुआ है वो। नहीं खोल रखा, ये देख बात सुन, बात सुन, मैं तुझे तेरे लिए बड़ा अच्छा काम करता हूं, ये सुन भाई लोगों, अल मोमिन ने मुझे हरा दिया, मैं अल मोमिन से हार गया, अल मोमिन के अल्लाह से। अबे तू ये वाला रेफरेंस दे दे, मैं आज के बाद नहीं आऊंगा। हो गया भाई खत्म, भाई हार गया, मान लिया अल मोमिन, तू जा, तू अपना आएगा, तू जा, तू तू जीत गया भाई, मैं हार गया भाई। तू जीत गया, मैं हार गया, अपने चैनल पे कटिंग डाल के चला ले, यू वन, जा।
यार साहिल इस बंदे ने आज तक तुझे पता है कभी रेफरेंस नहीं दिया, रेफरेंस कुछ और कह रहा होगा, ये पढ़ कुछ और रहेगा, ये बोलेगा कुछ और, अजीब बंदा है यार, कोई इंसान का बंदा हो यार अगर आना तो, क्या ये इंडिया में एडम साहब ये अभी तक कंसेंट कंसेंट की बात कर रहा था, इसने आज तक कोई आयत नहीं दिखाई जिसमें कंसेंट का जिक्र हो। अब पता नहीं ये क्या हर या फिर वापस आ गया बैक स्टेज पे, साहिल मैं क्या करूं यार इस बंदे का, मैं पता नहीं इसके कितने अकाउंट ब्लॉक कर चुका हूं। ये चिड़ियाघर में गया था, काम करता है कि नहीं साहिल भाई, ये गया था ना चिड़ियाघर में, तो ये हिप्पो होता है ना वो बुरा मान गया, हिप्पो बोला कि तेरी हिम्मत कैसे हुई दो पैरों पर चलने की। वाह वाह भाई वाह, क्या मिसाल है। अच्छा इससे मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ अलमोमिन से, अलमोमिन तू काम धंधा करता है भाई? भाई मैं मुकातबा करना कंपलसरी है, दिखाने आया हूं, वाजिब दिखाऊंगा। अच्छा ना तू काम धंधा कुछ करता है, बिजनेस बिजनेस से जॉब पे जाता है? हाँ सब कुछ, वो तो तुम्हारा धंधा तो बंद हो जाएगा ना, तुम झूठ नहीं बोलोगे तो, झूठ क्यों फैला रहा है, हेड भी फैला रहा हूँ झूठ भी। हाँ ठीक है हम लोग कुछ भी कर रहे हैं वो छोड़ दे, तू काम धंधा कुछ करता है नहीं करता है, बिजनेस बिजनेस करता है, पंक्चर बनाता है क्या, मजदूरी करता है क्या, करता है डॉक्टर है इंजीनियर है क्या है तू? मेरे प्रोफेशन में छोड़, मैं ये वाला रेफरेंस दे रहा हूं, मुकातबा करना कंपल, उसके लिए तो बोल दिया ना एडम साहब, तेरे से हार मान ली हम लोग, तू अभी आराम से चले जा, सुकून ले ले जिंदगी में। ये किससे किस बात बोलते हैं, ये तू तड़ा, ये कोई ना तमीज से बात, ये तेरा तू, ये कैसी बदतमीजी है वैसे लोगों के अंदर, कोई ना कोई ये काम शाम करते हैं ठीक है, धंधा ये तेरा तू तड़ा, ये किससे ये क्या बदतमीज लोग हैं वैसे, ये किस तरह की जाहिल लोगों को एंटरटेन करते हो आप लोग, किस तरह बर्दाश्त करते हो, हैट्स ऑफ टू यू गाइस ऑनेस्टली। यार मैं तो इसको इतनी दफा, इसके मैंने पता नहीं कितने अकाउंट फ्रांसिस ब्लॉक किए हैं, मैंने इसे कहा भाई तू जीत गया, भाई तू जीत गया यार, हमें कुछ नहीं पता यार, ना इसको पढ़ना आता है, ना इसको समझना आता है, ना ये 2+2 कर सकता है, लाइक इसको इतनी दफा कहा यार तू मत जुड़ा कर, तेरे बिना तू चला जा यार, मैंने कह दिया मैं हार गया तेरे से, जा यार अपने चैनल पे शॉर्ट कटिंग चला ले जाके, तेरी मेहरबानी, छोड़ दे हमारी जान छोड़ दे। उफ तो भैया ये बंदा जो है ना, लेकिन फ्रांसिस कुछ चीजें जो है ना, या ये लैंग्वेज है, ये इंस्टेड ऑफ पाकिस्तानी लैंग्वेज इट्स एन इंडियन लैंग्वेज, एंड इंडिया के कुछ इलाकों में दिस इज नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग, इट्स नॉट एन एबनॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग, इट्स अ वेरी नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग, लाइक दिस इज लाइक देयर डिक्शनरी वर्ड्स, ये हमारे पाकिस्तान में आके थोड़ा सा ये बदतमीजी वाले लफ्जों में आ जाता है, लेकिन वहां के कुछ इलाकों में दिस इज अ नॉर्म। राइट, कोई